स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इससे पहले हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को पढ़ा, उसके अंदर हमने कुछ बातें डिस्कस की कि किस तरह जो है वो अमाइनो एसिड की एक स्ट्रेट चेन होती है और उन वो जो चेन होती है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और उस बॉन्ड को हमने नाम दिया था पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, मैं आप लोग को वो बात रिमाइंड करवा देता हूँ जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। ये देखें कि ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच हुआ है। इसी तरह ये नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड और साथ एक अमाइनो एसिड या फिर अमाइनो एसिड, मतलब कि ये एक स्ट्रेट चेन जो है उस स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड को हमने क्या कहा था कि ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, कि जिसके अंदर अमाइनो एसिड एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है और इनके दरमियान ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, और इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। हमने पढ़ा कि किस तरह पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ कि ये देखें कि कार्बन, ये हमारे पास पोज के एक अमाइनो एसिड है, ये अल्फा कार्बन है, सेंट्रल कार्बन भी जिसे हम कहते हैं, ये आर, और यहाँ पर एच, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक साइड पे आप लोग को पता है कि अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। इसी तरह जब हम बिल्कुल इसी तरह का एक और अमाइनो एसिड को यहाँ पर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पर सी डबल ओ एच कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पर एन और साथ एच दो एच हम लगा देते हैं। अब होता क्या है कि जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करता है, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा, OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आएगा जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं, और जो हाइड्रोजन है ये अमाइनो ग्रुप से आएगा, यहाँ से ये रिलीज होगा वाटर का मॉलिक्यूल और यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड बन जाएगा, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। ठीक है, इस बॉन्ड इसको हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का। कुछ बुक्स के अंदर इसको इस तरह भी उन्होंने लिखा हुआ, ठीक है, ओपन फॉर्म में। तो ये जो बॉन्ड बनाए दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान उसको हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये तो है एक प्राइमरी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोग को बताया कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। अब देखें कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान होगा, ठीक है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमने पढ़ा कि वहाँ पर स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है, यानी कि यहाँ पर हम सिंगल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये एक प्राइमरी चेन है के प्रोटीन की, इसके अंदर हम कहते हैं कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना, इस तरह अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर अरेंज हुए हुए हैं। अब जब इस स्ट्रेट चेन के अंदर बेंड्स आ जाएं, टर्न्स बन जाए, फोल्डिंग हो जाए तो उसको हम फिर नाम देते हैं कि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो बेंडिंग, वो फोल्डिंग और वो स्ट्रेट चेन का ट्विस्ट होना वो क्यों होता है। ठीक है, देखिए कि ये जो स्ट्रेट चेन है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक अमाइनो एसिड किसी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है, ये नहीं, कभी भी इस तरह नहीं होगा कि पहला अमाइनो एसिड दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे, इस तरह नहीं होता। ये मैं आप आगे आप लोग को जाके समझाता हूँ कि किस तरह एक अमाइनो एसिड जो है वो
कार्बन अमाइनो एसिड नंबर 5 पर जाकर बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि यहाँ पर ट्विस्ट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाए। ये क्या है, इसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, अल्फा हेलिक्स, क्योंकि यहाँ पर हेलिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्न, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा टर्न, तीसरा, चौथा, मतलब कि इसके अंदर टोटल 4 टर्न्स हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, अल्फा हेलिक्स का। ठीक है, कुछ टर्न इस तरह के भी बनते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है, इन टर्न्स को, ये जो हमारे पास चेन है अमाइनो एसिड्स की के जिसके अंदर बेंडिंग और फोल्डिंग हुई है, ये जिसको हम बीटा प्लेटेड शीट कह रहे हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो हमारे पास एक हेलिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं अल्फा हेलिक्स, इसको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करके कि ये किस तरह अल्फा हेलिक्स है, किस तरह इसके अंदर अमाइनो एसिड जो हैं वो अरेंज हुए हुए हैं, और किस तरह इनके दरमियान जो अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, हमने कहा कि कार्बन नंबर, वो जो अमाइनो एसिड नंबर 1 है वो जाकर 5th अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर अब हम डिस्कस करने लगे हैं। और मैं आप लोग को बता दूँ कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर। लेकिन आप लोग के सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, एक अल्फा हेलिक्स जबकि दूसरा जो है वो बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, तीसरा लूप है, उसको आप लोगों ने डिस्कस नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि वो आप लोग के सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है। अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट यहाँ पर आप लोग की बुक के अंदर भी इतनी डिटेल से नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लोग को इसको करना होगा क्योंकि एमडी कैट में क्वेश्चन यहाँ से भी वो पूछ सकता है। पहले तो हम अल्फा हेलिक्स को देखेंगे कि किस तरह अल्फा हेलिक्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अरेंज हुए हुए होते हैं। नहीं, हमारे पास अल्फा हेलिक्स आ गया। देखिए कि हमने क्या कहा कि अल्फा हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस तरह का होता है। यहां से लेकर यहां तक सपोज करें कि एक टर्न है, ठीक है, यहां से फिर आगे लेकर यहां तक दूसरा टर्न, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा टर्न, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे चौथा टर्न। ठीक है, मतलब कि टोटल 4 टर्न है इस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में। और ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किसका है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, उसके अंदर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट अल्फा हेलिक्स के अंदर के हर टर्न के अंदर, ये एक टर्न है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या है, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ कि ये एक टर्न है। एक टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड। एक टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। सपोज के यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अमाइनो एसिड यहाँ पर, ठीक है, दूसरा अमाइनो एसिड यहाँ पर, ये यह स्ट्रक्चर यहाँ से जा रहा है, देखिए इधर से इस तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, एक, दो, तीन, ठीक है, ये 3 हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पर, 3 अमाइनो एसिड हमने पूरे कर लिए। आगे आते हैं 0.6, यहाँ पर आकर मोस्टली तौर पे ये कम्प्लेक्स, यहाँ पर ये बड़ा कन्फ्यूजन कॉज करता है खासकर स्टूडेंट्स के लिए कि 0.6 यहाँ पर 0.6 आ गया तो नेक्स्ट भी 0.6 आएगा, आ जाएगा तो वो 12 बन जाएगा। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स के माइंड में। देखें कि 3.6 यहाँ पर 0.6 इसलिए लगाया है कि एक अमाइनो एसिड को 10 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है।
एक अमाइनो एसिड को 10 पोर्शन के अंदर, 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। उस 10 पार्ट में से जो 6 हिस्से हैं, जो 6 पार्ट्स हैं, वो एक टर्न में रह जाएंगे और बाकी के जो रिमेनिंग कितने रह गए, 4 रह गए, वो नेक्स्ट वाले टर्न के अंदर आएंगे। ठीक है, दोबारा समझें कि 3.6 अमाइनो एसिड एक टर्न के अंदर पाए जाते हैं अल्फा हेलिक्स में। 3 अमाइनो एसिड तो कंप्लीटली तौर पर आएंगे, जो 0.6 है वो कन्फ्यूजन कास करता है। 0.6 से क्या मराद है कि एक अमाइनो एसिड को 10 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। वो जो 10 पोर्शंस हैं उनमें से 6 जो है वो पहले वाले टर्न में आ गए, बाकी रिमेनिंग कितने रह गए, 4 नेक्स्ट वाले में आएंगे। ठीक है, जब 4 यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, 3.4 2 यहाँ से नेक्स्ट वाले में आएंगे। मैं आप लोग को समझाता हूँ, ये देखें 4 इधर आ गए, बाकी 1, 2 और 3। ठीक है, 3 यहाँ पर अमाइनो एसिड्स आ गए। ठीक है, अब 6 वाला पोर्शन यहाँ पर, एक अमाइनो एसिड का 6 पोर्शन यहाँ पर था, 4th यहाँ पर आ गया और बाकी 2 यहाँ पर दोबारा यहाँ पर अरेंज होगा और यहाँ पर भी क्या होंगे, 3.6 अमाइनो एसिड ही। इसी तरह नेक्स्ट जो टर्न होगा उसके अंदर भी 3.6 अमाइनो एसिड होंगे। ठीक है, मतलब कि एक टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में। अब हमने देखना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से एक स्ट्रेट चेन हेलिकल फॉर्म में आ जाती है, वो किन के दरमियान बनता है। ठीक है, देखिए कि मैं आप लोग को स्ट्रक्चर ड्रा करके यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड है। आप लोग को पता है कि ये क्या है, हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं, COOH। ठीक है, यहाँ पर हम, मैं आप लोग को ड्रा कर देता हूँ कि ये एक अमाइनो एसिड है कि जिसको हम ड्रा कर रहे हैं कि HR, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड होगा। ठीक है, हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड है। अब हमने इसके साथ इसी तरह का दूसरा भी ड्रा करना है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर अब क्या होगा कि ये जो है, यहाँ से वाटर का मालिक्यूल, जिस तरह मैं आगे आप लोग को बता चुका हूँ, यहाँ से वाटर का मालिक्यूल रिलीज होगा और यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ये किसके दरमियान होता है, दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है, एक होता है कार्बोनाइल ग्रुप जबकि दूसरा होता है अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन रिलीज होता है, कार्बोनाइल ग्रुप से ओएच रिलीज होता है, वाटर का मालिक्यूल बाहर निकलता है और जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखें कि यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किन के दरमियान बनेगा। यहाँ पर हम ड्रा करने लगे हैं कि सपोज के हमारे पास ये जो है वो कार्बन नंबर सबसे पहला अमाइनो एसिड है। ठीक है, इसका बॉन्ड किसके साथ जाकर बनना है, 5th के साथ। 1, ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4th है और यहाँ पर ये 5th है। ठीक है, सपोज कि ये टर्न के अंदर आ रहा है तो यहाँ पर हम इसको ड्रा कर लेते हैं सी, ये कौन सा है, ये अल्फ़ा कार्बन है। ठीक है, अल्फ़ा कार्बन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप का। ठीक है, उसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या होगा, ये देखें यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, आगे बॉन्ड बना हुआ है किसके साथ, ये देखें कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर मैं सारे यहाँ पर ड्रा करना शुरू कर दूँ तो वो बहुत कन्फ्यूजन होगी, इसीलिए आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है कि किस तरह जो है वो अरेंज होना, किस तरह बॉन्ड बना हुआ होता है हाइड्रोजन के, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस तरह बना हुआ होता है। ठीक है,
ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये कार्बोनाइल का कार्बन है, ठीक है। इसके साथ क्या है हमारे पास, ये देखें कि इसके साथ क्या अटैच है, एक साइड पे एच अटैच है और एक साइड पे आर, ठीक है, जबकि दूसरी साइड पे हमारे साथ क्या है एन एच। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप है, जबकि नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड है उसका क्या होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, यहाँ पर N और यहाँ पर साथ H है, ठीक है। और इसके पीछे जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। अल्फा कार्बन के साथ ये R, ये H, ठीक है, और इसके साथ अगर पीछे जाएँ तो C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। ये जो C डबल बॉन्ड O हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर इसका इसके साथ बॉन्ड अटैच होगा, ठीक है, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप होगा। और यहाँ पर हमने जो डिस्कस करना है वो देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह बनता है एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट सेम अमाइनो एसिड, ये इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड है। ये आप लोगों ने ज़रा ध्यान से समझना है कि ये कार्बन, ये अमाइनो एसिड नंबर वन है जिसका दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब कार्बन जो अमाइनो एसिड नंबर वन है उसने बॉन्ड बनाना है फिफ्थ के साथ, यहाँ पर हम फिफ्थ वाला भी ड्रा कर लेते हैं। सपोज़ ये देखें कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये हमारे पास पीछे जाएं तो ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन के साथ और एच और साथ क्या अटैच होता है एन और साथ H, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पर क्या है कि जो NH है, ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको भी हम वक्ती तौर पर ये आप लोग को समझा दिए कि इनके दरमियान जो बॉन्ड यहाँ पर मैं शो किया हुआ है वो यहाँ पर भी मैं शो किया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो इसलिए इसको ज़रा मैं इरेज कर देता हूँ, ये हमने डॉट्स की फॉर्म में शो किया। अब देखिए कि यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड है अब इनके दरमियान बॉन्ड बनना है, ये जो अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, इस अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो रिमेनिंग ऑक्सीजन रह गया हुआ था, इनके दरमियान अब बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा जबकि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस वजह से इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कि वो कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि कार्बन नंबर वन का वो अमाइनो एसिड नंबर वन का अमाइनो एसिड नंबर फिफ्थ के साथ, ये पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है, पांचवा यहाँ पर आ रहा है, चले हम अब हमने इधर बना लिया, ठीक है, ये इस तरह यहाँ पर हम पाँचवा ले छठा ले जाते हैं, ये पाँचवा हो गया और ये छठा हमारे पास, ठीक है, इस तरह फिर आगे वो इसी तरह। अब देखें कि सपोज ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो अमाइनो एसिड नंबर वन होगा ना उसका बॉन्ड जाकर बनना है फिफ्थ वाले के साथ, कौन सा, हाइड्रोजन, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। जो सेकंड वाला होगा उसका साथ जाकर बनना है सिक्स वाले के साथ। इसी तरह अगर हम आगे भी देखें तो इसका बॉन्ड बनेगा इसके साथ, मतलब कि जो पहले वाला ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसका बॉन्ड बनना है अल्फा हेलिक्स के साथ, अल्फा हेलिक्स में पांचवें के साथ जाकर इसका बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ से काउंट करें वन टू थ्री फोर्थ फिफ्थ, यानी कि पहले जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड नंबर वन का बॉन्ड बनेगा फिफ्थ के साथ जाकर, अमाइनो एसिड नंबर टू का बॉन्ड बनेगा सिक्स वाले के साथ जाकर, और अमाइनो एसिड थ्री का बॉन्ड बनेगा
आगे नेक्स्ट के साथ। इसी तरह यानी कि आगे भी अमाइनो एसिड होंगे तो वो आपस में एक बॉन्ड बनाकर तो एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाए हुए होते हैं। ठीक है, ये जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। ये आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छी तरह से समझ लेना है कि यहाँ पर ये देख लें कि सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, इसका बॉन्ड बनाए एन एच के साथ, ठीक है, जिसको हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, और इनके दरमियान ये एक बॉन्ड बनाए जिस वजह से ये आपस में ये ट्विस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हुई हुई है एक स्ट्रेट चेन। तो इसको हम क्या नाम दिया है? अल्फा हेलिक्स। अब ये जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है ये बनता रहता है, ठीक है। अब एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब दो किस्म के अमाइनो एसिड्स आ जाएं तो फिर ये जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो जाता है, ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे डिसरप्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। उसको हम वो जो दो अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर वन प्रोलीन और नंबर टू ग्लाइसिन। प्रोलीन और ग्लाइसिन ये दो जो हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? अल्फा हेलिक्स ब्रेकर, मतलब कि इनको तोड़ने वाले, यानी कि ये जो चेन है इसको डिसरप्ट कर देते हैं। जब भी कोई प्रोलीन या ग्लाइसिन अमाइनो एसिड आ गया इस अल्फा हेलिकल चेन के अंदर, अल्फा हेलिक्स के अंदर, तो क्या होगा कि ये जो है वो चेन ब्रेक हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमने क्या पढ़ा? अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने कार्बन अमाइनो एसिड नंबर वन का बॉन्ड बनाया है अमाइनो एसिड नंबर फिफ्थ के साथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बीटा प्लेटेड शीट की तरफ, ठीक है, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का सेकेंड टाइप है, ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट्स की तरफ। बीटा प्लेटेड शीट, अब देखें कि बीटा प्लेटेड शीट जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है इसके अंदर बेंडिंग और फोल्डिंग पाई जाती है। जिस तरह एक कपड़ा है तो उसको हम बेंड करते हैं, फोल्ड करते हैं ना, इसी तरह ये जो बीटा प्लेटेड शीट है इसके अंदर बेंडिंग और फोल्डिंग पाई जाती है। यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों ने समझनी है बीटा प्लेटेड शीट के अंदर, कि देखिए कि यहाँ पर ये एक सपोज के अमाइनो एसिड की चेन है, यहाँ पर ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, इस तरह ये जो अमाइनो एसिड है कहता है कि इनके दरमियान आपस में जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। जब एक अमाइनो एसिड का दूसरे के साथ, दूसरी चेन के साथ जाकर बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कि ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड जब ये हो एक ही चेन्स के अमाइनो एसिड्स के दरमियान, एक ही चेन की अमाइनो एसिड्स के दरमियान जब हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसको हम नाम देते हैं इंट्रा स्ट्रैंड। ये इंट्रा स्ट्रैंड है और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसको हम इंट्रा स्ट्रैंड बॉन्ड का नाम देंगे, ठीक है। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड ही कहेंगे, लेकिन ये एक ही स्ट्रैंड के दरमियान है, मतलब कि एक ही चेन है अमाइनो एसिड की। लेकिन जब एक सपोज एक चेन ये है, एक चेन ये है, तो यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड्स हैं जब इनके दरमियान, फॉर एग्ज़ाम्पल इनके दरमियान आपस में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके दरमियान अगर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या नाम देंगे? कि ये क्या है? इंटर स्ट्रैंड, मतलब कि ये डिफरेंट स्ट्रैंड के दरमियान है। जिस तरह हम नाम देते हैं कि भाई वो इंटरनेशनल प्लेयर है, मतलब कि हर जगह पर पूरी दुनिया में, ठीक है।
इस तरह इंटर स्ट्रैंड क्या है कि डिफरेंट स्ट्रैंड के दरमियान, और जब एक ही स्ट्रैंड हो तो वो क्या होता है, इंट्रा स्ट्रैंड के दरमियान जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको भी अब हमने ड्रॉ करके देखना है कि किस तरह इसके दरमियान जो है वो बॉन्ड आपस में अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ईजी है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा तरफ ध्यान देना है कि यहाँ पर ये देखें, इस तरह इसको ड्रॉ कर लेना है। बेंडिंग और फोल्डिंग पे जाते हैं इसके अंदर, हमने पहले कहा था कि इसके अंदर बेंडिंग और फोल्डिंग पे जाती है। अब एक और हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड आप लोगों ने बनाना है तो उसको ऊपर से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो नीचे वाला स्ट्रैंड बनाना है उसको नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये क्या है, अल्फा कार्बन, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को वो स्ट्रक्चर दोबारा ड्रा कर देता हूँ कि ये अल्फा कार्बन है, इसी तरह आगे जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड है उसका एन एच होगा, ठीक है। ये उसके साथ फिर अल्फा कार्बन, ठीक है, फिर सी डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हमने आप लोगों को पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, समझ लें कि ये एक अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। एक अल्फ़ा कार्बन को छोड़कर आपने जो है ना, एक अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। अल्फ़ा कार्बन कौन सी है, यहाँ पर ये वाली अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है, जिसके साथ आप लोग को पता है कि और अटैच होता है, यानी कि जो साइड चेन है और साथ हाइड्रोजन वगैरह है, और इस आर की बेस पर ही एक अमाइनो एसिड दूसरे से डिफर करता है, ठीक है। यहाँ पर तो जनरल बनाया ना, इसलिए आर लिख दिया। सपोज कि यहाँ पर एक अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर ये दो जगह आप लोगों ने छोड़ देनी है, तीसरे नंबर पर दोबारा यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। फिर आप लोगों ने दो किनारे छोड़ देने हैं, यहाँ पर दोबारा अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। फिर इन दोनों को छोड़ देना है और यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन, मतलब कि दो जो किनारे हैं वो छोड़ देने हैं आप लोगों ने, और उसके साथ साथ अल्फ़ा कार्बन बनाते जाना। यहाँ पर भी आप लोगों ने इसी तरह करना है। ये सपोज़ के हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है, एक और दो किनारे छोड़ देने हैं, ठीक है। ये क्या है, अल्फ़ा कार्बन फिर बना देना है, एक और दो यहाँ पर छोड़ देना है, यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन बना देना है, इसी तरह यहाँ पर फिर दो किनारे छोड़ देने हैं, यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन बना देना है। अब हमने देखना है कि बीटा प्लेटेड शीट के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ, वो किस तरह बनता है, ठीक है। देखिए कि ये तो हमारे पास ये वाला हो गया अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, ये क्या हो गया, अल्फ़ा कार्बन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारे पास क्या आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एन और साथ क्या है, एच, ठीक है। अब ये अल्फा कार्बन, ज़रा ध्यान से देखें कि यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन आ गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ आ गया, ठीक है, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप का, ठीक है, और ये अमाइनो ग्रुप आ गया। तो कार्बोनाइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का, ठीक है, ये जो रेड के साथ मैं शो कर रहा हूँ। अब आगे दोबारा अल्फ़ा कार्बन आ गया, ठीक है, इस अल्फ़ा कार्बन के बाद क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। नीचे आ जाएं तो यहाँ पर क्या होगा, एन और साथ क्या है, एच, दोबारा अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। अल्फ़ा कार्बन के बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ड्रा कर लें कि सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एन और साथ क्या है, एच,
इसी तरह अब आप लोगों ने यहाँ पर इसको ड्रा कर लेना है, सी यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन, हमारे पास अल्फ़ा कार्बन के साथ क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। यहाँ पर अब क्या हमारे पास आएगा, एन, और साथ क्या है, एच। यहाँ पर दोबारा अल्फ़ा कार्बन, आप लोगों को पता है कि ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, फिर तीसरा, चौथा, यानी कि इस तरह अमाइनो एसिड चीज़ रिपीट हो रहा है। तो अमाइनो एसिड के अंदर जो चीज़ डिफर करती है वो सिर्फ साइड चेन करती है, बाकी सारी की सारी सेम रह रही है। और यहाँ पर बॉन्ड के अंदर साइड चेन इन्वॉल्व ही नहीं हो रही, ठीक है, जो साइड चेन है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही, जिस वजह से हम यहाँ पर इसको ड्रा नहीं कर रहे। और ये अल्फ़ा सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर दोबारा सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, एन एच, ये दोबारा अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पर क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या होगा, एन और एच। अब हमने देखना है कि किस तरह ये हमारे पास एक चेन आ गई, यहाँ पर ये दूसरी चेन। आप लोग को पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये अमाइनो ग्रुप, तो ये भी क्या है, एक पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप, तो ये भी क्या है, एक पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड्स अरेंज हुए, यहाँ पर भी इस तरह, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप, इनके दरमियान जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। यहाँ पर भी ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, जिसकी वजह से बीटा प्लेटेड शीट्स बनी हुई हैं। अब देखिए कि हमने क्या कहा था कि अमाइनो ग्रुप, यहाँ पर ये जो एन एच है, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, इनके दरमियान ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जिस वजह से इन दोनों के दरमियान क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी बनेगा बॉन्ड, इस तरह ये एक बॉन्ड बना है। इसी तरह सपोज कि यहाँ पर भी ये देखें कि बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को भी हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह ये जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, ये जो बेंडिंग और फोल्डिंग पे जा रही है इनके अंदर, तो ये जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान और अमाइनो ग्रुप के दरमियान, ठीक है। मतलब कि ये अमाइनो ग्रुप है एन एच, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस्तेमाल हो गया था, उसको छोड़ें, जो ये वाटर का मालिक्यूल रिलीज हुआ था एन एच, और ठीक है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है कार्बोनाइल ग्रुप की, जो ऑक्सीजन है अमाइनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, इनके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और ये क्या है, बीटा प्लेटेड शीट्स, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का जो है ना वो बात मुकम्मल हुई कि किस तरह जो है वो अल्फ़ा हेलिक्स और जो बीटा प्लेटेड शीट्स वगैरह हैं वो बनती हैं। यहाँ तक अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आप लोग को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, मैं तो काफ़ी डिटेल से कोशिश किया कि आप लोग को हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर भी अगर कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।